और अब खबरें विस्तार से। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी त्यागी पर सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने त्यागी से आज दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एसपी त्यागी ने इटली की कंपनी फिन मैकेनिका के अधिकारियों से मिलने की बात मान ली है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने आज इटली से मिले दस्तावेजों को दिखाकर त्यागी से सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक त्यागी ने माना कि 2005 में वो फिन मैकेनिका के सीओओ जापा से साल 2005 में मिले थे। ये भी पता चला है कि एसपी त्यागी नोएडा की कंपनियों के मालिक भी रहे हैं और इसके अलावा एक और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रिटायरमेंट के बाद एसपी त्यागी के विदेश दौरों की जानकारी जुटाएगी। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ऑगस्टा डील में बिचौलियों और त्यागी के बीच बातचीत में कोडवर्ड का इस्तेमाल हुआ था। बिचौलियों ने कई बार त्यागी से ग्यूलिया शब्द का इस्तेमाल किया और इटालियन में जिसका मतलब होता है खूबसूरत लड़की। सीबीआई त्यागी से कल भी पूछताछ करेगी और ईडी ने भी 5 मई को एसपी त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 5 मई को एसपी त्यागी के भाई संजीव त्यागी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। ईडी भी इसी हफ्ते संजीव त्यागी से पूछताछ करेगी। ऑगस्टा मामले में एक और आरोपी गौतम खेतान से भी सीबीआई कल पूछताछ करेगी। उधर ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कल राज्यसभा में चर्चा होगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर संसद को जानकारी देंगे और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ डील को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज एक अहम बैठक हुई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अहमद पटेल समेत पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस की संसद में कल की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ऑगस्टा डील की जांच अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचने लगी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह पर सवाल उठाए हैं। हालांकि राहुल ने बीजेपी के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि वो इससे खुश हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के लेटर बम ने कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा दी है। ईडी को लिखी चिट्ठी में किरीट सोमैया ने ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह पर सवाल उठाए हैं। सोमैया ने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में बिचौलिए रहे गाइडो हैशके के कनिष्क सिंह से कारोबारी संबंध होने का आरोप लगाया है। सोमैया के मुताबिक गाइडो हैशके जिस एमएमआर जीएमएफ कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है वो कनिष्क सिंह के परिवार की है। सोमैया के मुताबिक एमआर एमजीएफ कंपनी का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में भी आया था। CWG स्कैम में MRMGF इन्वॉल्व थे, उसमें भी हस्के था। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। और MRMGF में कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री कनिष्क सिंह जो राहुल गांधी के राइट हैंड है उनके परिवार का संबंध, मुझे लगता है ये सब मिलीभगत से हुआ है। अगस्ता घोटाले में नाम जुड़ने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता रहा है, इससे वो खुश हैं। राहुल भले ही इसे हल्के अंदाज में लेते दिखे लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। अभी तो हम किसी को सजा देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इनके ऊपर संदेह है और क्योंकि इनका नाम एक दूसरा देश के हाई कोर्ट के जजमेंट में आ गई है तो हमें पता करना है। कोई भी कितना भी बड़ा हो वो कानून उनके ऊपर है, ये हम सिद्ध करने चाहते हैं। लोकतंत्र में ये होना चाहिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें खड़ा करता रहा है। ऐसे में नया विवाद पार्टी के लिए नया संकट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उधर कांग्रेस नेता शकील अहमद का कहना है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया और सुब्रमण्यम स्वामी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि कनिष्क पहले ही किसी भी तरह के लेनदेन से इनकार कर चुके हैं। किरीट सोमैया और सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे लोगों को आप लोग सीरियसली लेते हैं तो आपकी समस्या है। किरीट सोमैया याद है, वो यूपी के कुशवाहा के खिलाफ सीबीआई को मोटा पुलंदा देके आए थे उनके खिलाफ आरोप के लिए, और जिस दिन वो दे के आए उसके तीसरे दिन मोटे मोटे फूल मालाओं के साथ वो कुशवाहा जी का भाजपा में स्वागत हो गया था। तो
तो क्रिट सुमैया सुब्रमण्यम स्वामी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलती रहे, इसके लिए किसी पर कोई आरोप लगा दे सकते हैं। गणेश सिंह जी के कोई रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार हैं जो MRMGF के ओनर हैं या क्या हैं, वो उसके शायद बोर्ड में हैं। अब वो क्या हैं क्या नहीं हैं ये नहीं जानते हैं, लेकिन गणेश जी ने एक वक्तव्य दे दिया है उनके और इस परिवार के बीच में कोई 8-10 साल से आपस में केस चल रहे हैं, ना कोई लेना देना है, ना कोई बिजनेस संबंध है, ना कोई और बोलचाल के संबंध हैं, दोनों परिवारों में आपस में अनबन भी नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 2013 में भी ये बात सामने आई थी, तब भी गणेश जी ने बताया था कि इस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं और बात वहां रुक गई थी। ये बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब आइए आपको कनिष्क सिंह से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। राहुल गांधी के सचिव कनिष्क सिंह लंबे वक्त से गांधी परिवार से जुड़े हैं और कनिष्क सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन का काम भी देखते हैं। राजनीति में आने से पहले कनिष्क सिंह इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और कनिष्क सिंह MRMGF के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण गुप्ता के करीबी रिश्तेदार हैं। कनिष्क सिंह के पिता SK सिंह भारत के विदेश सचिव थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। सीबीआई ने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम काउंसिल के DGM आशुतोष सिंह के घर से 1,37,00,000 नगद और 9 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कागजात जब्त किए हैं। देर रात उनकी कार से सीबीआई ने 1,50,000 रुपए बरामद किए थे। आशुतोष सिंह के खिलाफ सीबीआई को धोखाधड़ी और घूसखोरी की शिकायत मिली थी। उधर हरीश रावत ने इस खबर का खंडन किया है कि आशुतोष सिंह उनके OSD रह चुके हैं। हरीश रावत के मुताबिक उनकी जानकारी में नहीं है कि आशुतोष सिंह कभी उनके OSD रहे हैं। आशुतोष कुमार सिंह नाम का कोई व्यक्ति न मेरा OSD रहा, न मेरा PS रहा, न APS रहा, चाहे मैं भारत सरकार में मंत्री रहा हूं, चाहे मैं उत्तराखंड में रहा हूं। ये तो हमारे रिकॉर्ड से देख करके पता लगाया जा सकता है। फिर किसी के कर्म दुष्कर्म जो भी हैं वो उसके साथ हैं। यदि कोई रहा भी होता तो उसे मेरा क्या मतलब है। CBI अपना काम करे, यदि किसी ने गलत काम किए हैं तो उनको उनको दंडित करे। उधर सरकार ने PSU बैंकों में डिफॉल्टर्स के पास फंसी रकम का खुलासा कर दिया है। सरकारी बैंकों के विलफुल डिफॉल्टर्स के पास 66,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और सरकार के मुताबिक देश में 7,686 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और सरकारी बैंकों का टॉप 50 डिफॉल्टर्स पर 1,22,000 करोड़ रुपए बकाया है। SBI के विलफुल डिफॉल्टर के पास 11,700 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। सहयोगी बैंकों के साथ SBI के 18,700 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के 10,900 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक के 3,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। यूनियन बैंक के 3,070 करोड़ रुपए और यूको बैंक के 4,250 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर्स के पास फंसे हुए हैं। रवाई आपको बताते हैं कि किस बैंक की डिफॉल्टर्स के पास कितनी रकम फंसी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 11,700 करोड़ रुपए, SBI के सहयोगी बैंक के पास 18,700 करोड़ रुपए, PNB के पास 10,900 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक के पास 4,400 करोड़ रुपए, यूको बैंक के पास 4,250 करोड़, कैनरा बैंक के पास 3,200 करोड़, यूनियन बैंक के पास 3,070 करोड़, आंध्रा बैंक के पास 2,960 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के पास 2,700 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक के पास 2,260 करोड़, जबकि IDBI बैंक के पास 1,980 करोड़। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 1,190 करोड़, देना बैंक के पास 810 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 770 करोड़ और इलाहाबाद बैंक के पास 500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। चलिए बढ़ते ही आगे, बात करेंगे अगली खबर की। विदेश भागे विजय माल्या को राज्यसभा से बर्खास्त करने की तैयारी है और उनका इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने नामंजूर कर दिया है। राज्यसभा के सचिव ने जानकारी दी है कि इस्तीफा देने में माल्या ने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं थे। बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं राज्यसभा की एथिक्स कमेटी भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। JDU ने भी कहा है कि माल्या के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
उधर आज दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की जमकर क्लास ली और मोदी सरकार 26 मई को 2 साल पूरे करने वाली है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचे। इसी को लेकर पीएम मोदी ने सांसदों की क्लास ली और पीएम ने पूछा कि क्या आप लोग गांव में जाते हो, आप सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हो या नहीं, अगर आप नहीं ले जाओगे तो सरकार की योजनाओं की जनता को कैसे जानकारी होगी। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना और मुफ्त गैस कनेक्शन योजना पर सांसदों से सवाल पूछे। पीएम ने सांसदों से कहा कि पुरानी सरकार अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती थी और आप कम से कम सही काम की जानकारी लोगों को दें। पीएम ने सांसदों से पूछा कि ऊर्जा उत्सव मनाने की बात हुई थी, क्या आप लोगों ने इसकी जानकारी जनता को दी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष का कार्यकाल सांसदों का भी पूरा होने को आया है और 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार का भी पूरा होने को आया है और इसमें जो बड़ी उपलब्धियां थी, जिसमें देश में मुद्रा योजना, देश में एलईडी बल्ब का वितरण और उस 18,000 गांवों में जहां बिजली केंद्र की सरकार ने पहुंचाया है, ये बड़ी उपलब्धियों को सांसद जहां जहां जिन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां हुई हैं और सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई जाए, सरकार की पहुंचाई जाए लोगों तक। प्रधानमंत्री मोदी जब जीत कर हम लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और 2 साल के कार्यकाल में हमने इसको साबित किया है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। रोजगार के साधन कैसे बढ़ें और आर्थिक रूप से कैसे हम किसान को संपन्न करें, तो हमारी सरकार ने ये सब किया है। सामाजिक सुरक्षा पर बहुत बहसबाजी होती थी लेकिन सामाजिक सुरक्षा दी नहीं, हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा भी दी है और किसान को एक आर्थिक कवच हमने उसको बनाया। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलिया के जिस ग्राउंड पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, 3 दिन बाद भी इस ग्राउंड पर हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। मजदूर रैली के लिए लगाए गए अपने सामान को तो उठा रहे हैं लेकिन किसी ने इस गंदगी को साफ करने की कोशिश नहीं की। 1 मई को भी पीएम ने स्वच्छता मिशन पर लोगों को नसीहत। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र का, माननीय केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये पानी बाहर से आया था, पानी इसमें था, कुछ बच गया, कुछ पी गए, इसलिए बहुत फेंक दिया गया। जिस जगह पर मोदी जी आए, लाखों पाउच नदी में, गंगा नदी में जा रहा है, गांव में फैल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने पॉलीथीन पर पाबंदी लगाने का काम किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पॉलीथीन को गंगा नदी में डाल करके लोगों के बीच में फैला करके और खेत को ऊसर बंजर करने का काम मोदी के कार्यक्रम में किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और चीन के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं और महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है। महंगाई का मुद्दा आज संसद में भी उठा और कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा कि अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। शिवसेना ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। चीनी बहुत महंगी है, मुंह का स्वाद बिगाड़ रही है, दाल के दाम भी आम आदमी का दम निकाल रहे हैं। दाल, चीनी और खाने पीने की दूसरी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अरहर, मूंग, जिस भी दाल का नाम ले लीजिए, आम आदमी के बजट से बाहर है। पिछले 6 महीने में चीनी 30-40% तक महंगी हो गई है। महंगाई का मुद्दा संसद में भी गूंजा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे। ये सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। राज्यसभा में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हमला बोला तो लोकसभा में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने चीनी, दाल और खाने पीने की दूसरी चीजों के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा। जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए, बढ़ती हुई दालों की भाव को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के पास क्या ब्यौरा है।
चीनी और दाल जैसी जरूरी चीजें महंगी होने से आम आदमी बेहाल है, उसके खाने की थाली खाली है। अरहर 160 से 170 रुपए किलो, उड़द दाल 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। मूंग चने की दाल भी महंगी है, चीनी 30 से 35 रुपए से बढ़कर 40 से 50 रुपए किलो पहुंच चुकी है। सब्जी से ही काम चलाना पड़ रहा है, चावल सब्जी रोटी इससे काम चलाना पड़ रहा है। दाल हम लोगों क्या है भाई, कितनी खाएंगे, घर में लोग हैं खाने वाली, तो थोड़ी सी दाल बनेगी। उसके लिए हमारा सबसे ज्यादा सबको लोकप्रिय दाल रहर की दाल है, जो कि सबसे महंगी है। हाँ, महंगाई की वजह से हमारे किचन में से तो दाल एकदम गायब हो गई, झक मार के हम लोग को खाली सब्जी चावल से काम चलाना पड़ रहा है, जिसके कारण पूरे घर में सब लोग खाए है मचा रहे हैं। पहले हम लोग दाल चीनी इतना ज्यादा मतलब मार्केट में बहुत महंगी हो गई है, पहले हम लोग चीनी महीना के 5 किलो खाते थे, इसमें चीनी हम लोग 2 किलो 1 किलो में काम चला रहे हैं, दाल जहाँ 5 किलो ले जाते थे इसमें 1 या 2 किलो में काम चला। सरकार के तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद चीनी और दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल जरूरत बेहतर पॉलिसी और प्लानिंग की है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर महंगाई कम करने के रास्ते तलाशने होंगे, ताकि आम आदमी भी कह सके कि कुछ मीठा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। महंगाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में चीनी की कीमतों में करीब 33% का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में दाल की कीमतों में भी 20 से 50 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक दालों के दाम एमएनसीज और बड़े रिटेलरों की वजह से बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने की एक और वजह ऑनलाइन ट्रेडिंग बताई जा रही है। भारत सबसे बड़ा दाल पैदा करने वाला देश है, लेकिन देश में दाल की खपत भी सबसे ज्यादा है। चीनी की कीमत कम पैदावार के चलते बढ़ी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा साल में चीनी का उत्पादन 250 लाख टन रहेगा। पहले इसका अनुमान 260 लाख टन का था। 2015 से अप्रैल 2016 के बीच चीनी उत्पादन में 11% की गिरावट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बेटी होना गुनाह है? आखिर क्यों बेटियां आज भी बोझ हैं? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक मां संगदिल मां ने फूल सी बेटी को पुल के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया। बच्ची 46 डिग्री की चिलचिलाती धूप में पुल के किनारे लावारिस जिंदगी से जंग लड़ रही थी। मेरा क्या कसूर माँ? माँ, मैं इतनी बुरी तो ना थी कि तूने मुझे अपने आंचल की छांव से दूर कर दिया? क्यों माँ, क्यों? आखिर क्यों तू इतनी संगदिल हो गई कि तूने मुझे चिलचिलाती धूप में सड़क पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया? शायद तेरी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए तुझे मैं कोस भी नहीं सकती, क्योंकि तू तो ममता की मूरत है। मैं अपने हालात से लड़ रही हूँ, बेटी हूँ ना, शायद तेरे लिए बोझ थी। एक बच्ची है जो लावारिस स्थिति में एक ईंटों के ढेर के बगल में पड़ी हुई थी, और एक नंदू कॉलर जी हैं, उनके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई। बच्ची काफी टाइम से वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। तो उसकी हालत को देख के CWC बाल कल्याण समिति ने ये फैसला लिया कि इस बच्ची को अभी 2-4 दिन के लिए और अस्पताल में भर्ती कराया जाए और इसका उपचार कराया जाए। कलेजा दर्द से पट जाएगा जब एक दिन की इस मासूम बेटी की दर्द भरी दास्तां आप जानेंगे। 46 डिग्री पर जब सूरज की तपिश धरती को झुलसा रही थी, तब मथुरा में यमुना पुल के किनारे एक मासूम को कोई लावारिस फेंक कर चला गया। बच्ची की किस्मत थी कि वो बच गई। एक एनजीओ लेके आए थे 2-3 लोग कि इसको, इनको हमें सड़क पे मिली है। तो उस समय इसको 104 डिग्री करीब बुखार था, तो हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, इमीडिएट एंटीबायोटिक वगैरह, फ्लूड भी लगाया गया है इसको। तो अभी एक कवर में है, फीवर भी नहीं है इसको अभी। उस समय कुछ भी सेप्टिसीमिया में जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, फीवर तो था ही इसको। एक लावारिस बच्ची धूप में पड़ी हुई है, इस सूचना पर हमारी लक्ष्मण चौकी की पुलिसकर्मियों ने सक्रियता दिखाया और जाकर उस बच्ची को उठा करके थाने लगे और चाइल्ड लाइन को फोन करके गाड़ी बुलाया और एम्बुलेंस इसको लाकर यहाँ पर भर्ती करा दिया। बच्ची स्वस्थ है, उसका इलाज भी हो रहा है और बच्ची का जीवन बचा लिया गया है। क्योंकि किसी ने ऐसे छोड़ दिया है, कोई आएगा भी नहीं ऐसी संभावना है, इसलिए जो है इसको जो और विधिक कार्रवाई उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक दिन की इस मासूम को किसने सड़क किनारे छोड़ा, पुलिस तफ्तीश कर रही है।
बच्ची के संग दिल माता पिता की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बोझ है बेटी, क्यों और कब तक यूं सड़क पर फेंकी जाती रहेंगी बेटियां। मथुरा से वीरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2015 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म तनुवर्ट्स मनु रिटर्न्स के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाहुबली के लिए एसएस राजामौली, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए कबीर खान और संजय लीला भंसाली को फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार दिए गए। संसद और विधानसभाओं में सिर्फ हमारे देश में हंगामा नहीं होता। टर्की की संसद में सत्ताधारी एके पार्टी और विरोधी दल एचडीपी के सांसद आपस में ही भिड़ गए। दरअसल संसद में उस प्रस्ताव पर बहस चल रही थी जिसमें सांसदों को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट खत्म करने की बात कही गई, लेकिन इस प्रस्ताव पर बहस की बजाय लात घूंसे चलने लगे। मेज पर चढ़कर सांसद एक दूसरे पर हमला करने लगे। सांसदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।